जी, इस फाइल को अब हम ओपन कर लेते हैं। पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको, और पहला टास्क हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम चाह रहे हैं कि इसके मेन्यूज़ को कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, ताकि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए। ठीक है, ओपन विथ, और यहाँ पर हमारे पास नहीं पड़ा वो नोट पैड प्लस प्लस नहीं था। से फिर नोट पैड में फिलहाल मैं खोलता हूँ, ये आ गया एडिट नोट पैड प्लस प्लस, इसमें आ जाए जी। ठीक है, नजर आ रहा है मेरा ख्याल, अब तो बड़ा नजर आ रहा होगा आज। अब हम लोगों ने मेन्यूज में कैसे जाना है, जरा ये समझ लेते हैं कि हम लोग मेन्यूज में किस तरह शिफ्ट करेंगे। ये सारी कोडिंग नजर आ रही है आपको, अब हम ये देखते हैं कि जो वेबसाइट है इसके अंदर मेन्यूज कौन कौन से हैं। एक आ रहा है कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट, मतलब मैं इसमें से किसी एक तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेन्यू कहाँ पड़ा हुआ है, किसी एक तक हम पहुंच जाते हैं। और जो मुझे यूनिक लग रहा है ना, मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले जी। ब्लॉक को कर लेते हैं फाइंड, कहाँ पर है ब्लॉक, इसमें आए ज़रा। अब मेन्यू जो है हमारे पास वेबसाइट में ऊपर वाले हिस्से पर भी नज़र आ रहा है आपको, और नीचे भी नज़र आ रहा है, बॉटम पर भी नज़र आ रहा है। तो हमें तो ऊपर वाले मेन्यू को देखना है, अभी फुटर वाले मेन्यू को नहीं देखना, तो इसलिए मैंने कर्सर बिल्कुल स्टार्ट पे रखा है अपना, और यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ, और किसको फाइंड कर लेते हैं, ब्लॉक को फाइंड कर लेते हैं, और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमें मेन्यू वाली जगह पर हम आ चुके हुए हैं, और ये नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइट नेविगेशन एंड, और इसका कलर भी देखें कौन सा आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है। बेसिकली ये ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ये कमेंट बनाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो अपने लिए, तो उसको दिखाना चाह रहे हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लानी है। ठीक है, तो उसे हम कमेंट कर लेते हैं। तो ये कमेंट कैसे बना हुआ है ज़रा ये भी देख लें, शो भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ये कमेंट कैसे किया हुआ हमने, मतलब ये वेबसाइट पे शो भी नहीं होगा, और हो सकता है कि ये बॉडी में ना हो, हेडर में हो, तो हेडर की चीज़ें तो वैसे भी कम ही शो होती हैं वेबसाइट पर, तो ये एग्जीक्यूट भी नहीं होता, यानी कि मैंने इसको लगाया भी हुआ है और सिर्फ अपने लिए लिखा हुआ है नोट के तौर पर। एक तो इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि लिखा हुआ है साइट नेविगेशन एंड, पता लग रहा है कि यहाँ पे मेन्यू का एंड होने लगा हुआ है। और इसे लिखने का तरीका क्या है, इसके लिए एक स्पेशल टैग यूज किया हुआ है मैंने, लेस देन टैग स्टार्ट किया हुआ है मैंने, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ जी हमने, डैश डैश, और जहां पर हमने इसको एंड किया हुआ है वहां पर भी हमने क्या लिखा हुआ है, डैश डैश और ग्रेटर देन का निशान। सो बेसिकली ये जो बीच में, ये जो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर हमने किया हुआ है, ये इसको कमेंट बनाने का तरीका है। आप भी कोई वेबसाइट बना रहे होंगे जब, और उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन अपने लिए लिखना चाह रहे होंगे, ताकि आपको भी याद रहे 6 महीनों के बाद कि ये ब्लॉक कौन से वाला है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसे कमेंट कर लेंगे, और जब उसका कलर ग्रीन हो जाएगा तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये एग्जीक्यूशन में नहीं है। तो आपको इस कोडिंग के अंदर बहुत सारा पार्ट ऐसा नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो पार्ट है उसका वेबसाइट के चलाने में कोई रोल, वेबसाइट को एग्जीक्यूट करने में उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ हमने अपने लिए लिखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो एंड हुआ है ना, ऊपर चलते हैं, स्टार्ट कहां से हुआ है जरा देख लेते हैं जी। मेन्यू कौन सा था जी, हमारा पहला पहला मेन्यू कौन सा था जी, ये लिखा हुआ है साइट नेविगेशन। और पहले भी हमने, अच्छा एक और चीज भी देखे, मैंने होम नहीं लिखा हुआ मेन्यू के ऊपर, बल्कि मेन्यू का नाम हमने देखे क्या लिखा हुआ है जी, साइट नेविगेशन यहां से शुरू हुई है। जी क्या नाम है, ये नीचे आते जाए जरा, और नीचे आ जाए, ये मेन्यू आगे लिखा हुआ नजर, और नीचे आ जाएं जी, ये लिखा हुआ है आईडी इक्वल्स टू मेन्यू, क्लास इक्वल्स टू मेन्यू। ये क्लास क्या है, ये स्टाइल शीट है, ये डेवलपर वाला काम है, ये हमें नहीं करना। हमें ये हो सकता है कि हमें ये करना पड़े कि कोई मेन्यू इसमें ऐड करना हो या कम करना हो। तो अब आप ये देखें, यहां से मेरा मेन्यू शुरू हो गया कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट, वेबसाइट पे भी यही है ना, ये यहां से शुरू हो रहा है, और एंड कहां पे हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे हो रहा है। अगर मैं इधर आता हूं तो देख लेते हैं कॉन्टैक्ट वाला पार्ट कहाँ है। ये अब
मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेन्यू ऐड करते हैं, पहले ऐड करते हैं और फिर रिमूव करेंगे, ठीक है। अब एक और आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने देखा कि हमने होम नहीं लिखा, बल्कि होम की जगह पर कोई कीवर्ड लगा दिया, क्योंकि होम लिखने से हमें कोई खास फायदा तो नहीं होने वाला, कि होम से हमें क्या फायदा होगा, मतलब होम तो एक सिंपल सी टर्म है। लेकिन हमने क्या किया कि भाई हम जिस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे थे, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, हमने उसको मेन्यू के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ताकि हमें एक ऐसी जगह मिल गई जो कि बेसिकली कीवर्ड के लिए लिखने की जगह भी नहीं थी। और मैंने आपसे कहा भी था कि भाई जो कंटेंट है उसमें तो 3% आएगा, वो तो पूरा हो गया, अब हम कहीं और एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक साइंस है कि हम अपने मेन्यूज़ में भी किसी जगह पर अपने कीवर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, इससे हमें फायदा होगा, क्योंकि बाकी लोगों ने हो सकता है ये काम ना किया हो। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ये बात हमने की, कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश उस वक्त करनी है जब कीवर्ड बहुत लंबा ना हो, ये ना हो कि आपका स्ट्रक्चर ख़राब हो। वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं ख़राब होना चाहिए, अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं ख़राब होता तो फाइन, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक टैग और यूज़ हो गया है, वो कौन सा है जी? LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। जैसे आप वर्ड में लिखते हो ना, नंबरिंग करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे होते हो तो ऑटो नंबरिंग हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। सो उसी तरह की नंबरिंग करने के लिए ये LI का टैग इस्तेमाल होता है, LI, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें क्या करना है अभी फिलहाल सिर्फ जी, कहाँ से शुरू हुआ है मेन्यू, यहाँ पे बस यहां पे खत्म हो गया। मैंने इतने हिस्से को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया और यहां पे लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक मेन्यू और बन गया। इसका नाम चेंज कर लेते हैं अपने लिए, ताकि हमें दिखने में नजर आए कि क्या चेंज आया है। ये क्या लिखा जी हमने, यहां पर मैंने एक और बना लिया आर्टिकल्स के नाम से, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, सेव हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखते हैं जी मेन्यू की तादाद में इजाफा हुआ, आ गया। यानी इसका मतलब क्या होगा, हमें पता लग गया कि मेन्यू बढ़ाना कैसे है हम लोगों ने। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने रश लगा देना है, हमने स्क्रीन के स्ट्रक्चर के मुताबिक मेन्यू को बढ़ाना है, कि स्क्रीन डिस्टर्ब ना हो रही हो तो हम मेन्यूज को बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये भाई ये वाली जो वेबसाइट है इसके अंदर से आपने ब्लॉग को निकाल देना है, ब्लॉगिंग और आर्टिकल्स एक ही तरह की चीजें हैं ना। दो सपोज हम कह रहे हैं भाई हमने इसको ब्लॉग को अब रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने आर्टिकल्स का एक मेन्यू बना लिया जहां पर हम आर्टिकल लिखेंगे। अभी आर्टिकल्स का मेन्यू क्यों ऐड किया, अभी इसको भी समझते हैं कि वेबसाइट में ऐड करना क्यों जरूरी होता है, या ब्लॉग का मेन्यू ऐड करना क्यों जरूरी है। जी आपको लिखना नहीं आता, फिर अब क्या करें, अब आगे कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए आप पहली बात तो ये आपने समझनी है कि आप ने अकेले ने तो कंपनी भी नहीं चलानी है ना। तो आप जब किसी जगह पर काम करेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग होंगे जिनके मुख्तलिफ रोल होंगे। अगर आपको लिखना आता है तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। और आर्टिकल्स लिखने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं, फ्री टूल्स, जो कि आर्टिकल्स राइटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि वो हम बाय करेंगे। मोस्टली लोग जो आर्टिकल्स लिख कर दे रहे हैं, मोस्टली लोग वो ऐसे हैं जिन्हें आर्टिकल्स लिखने नहीं आते, लेकिन वो क्या करते हैं, फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और आर्टिकल्स ऑटोमेटेड लिखे जाते हैं। वो पेड टूल होते हैं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन पर भी होते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन पर भी होते हैं, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर भी होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से टूल हैं अगर आप बाय करना चाहें। दूसरी सूरत क्या है कि हमारे पास एक इंग्लिश इस तरह की जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होती हैं कि जी जनाब एक आर्टिकल कंटेंट राइटर की ज़रूरत है। अब वो जिस हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटेंट राइटर की, खासतौर पर जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है वहाँ पर एक कंटेंट राइटर लहदा से बैठा होता है, और वो जो कंटेंट राइटर होता है उसका काम कंटेंट लिखना होता है, और वो उसको असिस्ट कर रही होती है बाकी की टीम सारी। मतलब वो मिसाल के तौर पर एक बहुत अच्छा कंटेंट लिखने वाला बंदा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग से मुतल्लिक, तो उसको कुछ नहीं पता, तो बाकी की जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है वो उसको असिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर डेवलपर उसको बताएगा कि भाई मुझे ये कंटेंट यहाँ पे लिखना है,
एसईओ वाला बंदा उसको बताएगा कि आपने मुझे 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखकर देना है, इस 500 वर्ड्स में मुझे 3% कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ये वाले मेरे कीवर्ड्स हैं जो आपने एडजस्ट करने हैं, यानी उसको असिस्ट कर रहे हैं वो। अब अगर आप ये काम खुद कर सकते हैं, अगर आप खुद कंटेंट लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी एक बंदे की आपने ड्यूटी संभाली हुई है, तो लाजमी बात है उसका आपको ही फायदा होगा। अगर आप खुद ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं और आप खुद कंटेंट लिख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक बंदा हायर करना नहीं पड़ेगा, एक और बंदे की एक्स्ट्रा से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि क्या कंटेंट राइटर आपको महंगा पड़ता है। अब लाजमी बात है ह्यूमन बीइंग और ऑटोमेशन, इन दोनों में फर्क तो है। जब कोई एक ह्यूमन बीइंग बैठ के काम कर रहा होगा और एक जगह ऑटोमेटेड काम हो रहा होगा, तो जो ह्यूमन बीइंग वाला काम होगा वो ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू ऑटोमेटेड टास्क, क्योंकि ऑटोमेटेड टास्क में बहरहाल इतना ज्यादा वो नेचुरल ऑर्गेनिक तो नहीं होगा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि पहले से डिफाइंड होंगी, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग आपके साथ बैठा होगा आप उसको समझा सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह होना चाहिए, उसके बाद आप उसको ये भी कह सकते हैं ठीक नहीं है यार इसको इस तरह होना चाहिए उसको, लेकिन जो ऑटोमेटेड काम हो रहा होगा वो इस तरह का नहीं होगा। और जो लोग आर्टिकल लिखवाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इतनी डीप भी नहीं होती है, उन्हें आर्टिकल चाहिए होता है और उन्हें यूनिक चाहिए होता है, मतलब दो ही रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक आर्टिकल होना चाहिए अच्छा सा और एक यूनिक होना चाहिए बस। बाकी क्रिएटिविटी जो है, अगर आप किसी बंदे को हायर करके लिखवा रहे होंगे तो फिर क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, लेकिन आप चाहें तो सॉफ्टवेयर से भी ये सारे का सारा काम ले सकते हैं, मगर ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, यानी इनके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कोई एक बंदा आपको कहता है यार 1200 पे मैं आपको कुछ टूल्स देता हूँ, दो तीन टूल्स दे रहा हूँ पर मंथ पे 1200 रुपीज़ पे, तो आपसे कहते हैं मुझे लाइफ टाइम पर दे दो, तो हो सकता है वो आपको 10-12-15 हज़ार रुपया दे कहे, तो उसमें फिर वो टूल आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा, तो लाइफ टाइम जब मिल जाएगा आपको तो उसका आपको फायदा होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलें जी अब आ जाते हैं इधर, क्या करने लगे थे हम, बात बीच में रुक गई, आर्टिकल्स वाला लिख रहे थे ना हम। चलें अब एक और काम करते हैं, इधर ये एड्रेस दिया हुआ है, जरा पहले ये तो देखें, मैं चाहता हूँ इस दफा ऊपर वाले से तो कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं ना, इस पे कहीं भी ना जाए, मैं कहता हूँ सपोज मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना जाए अभी फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग मैं उसे इस मेन्यू से कहीं पर भी स्विच नहीं करना चाहता, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट और इसके बीच में एक लगा देता हूँ हैश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हाइपरलिंक भी बन गया और डायरेक्शन रीडायरेक्शन भी कोई नहीं हो रही इसकी, यानी इसका मतलब ये, अगर मैं इसको ये भी नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब ये हाइपरलिंक भी नहीं बनेगा, तो इसे हाइपरलिंक भी बनाना था मैंने और इसको कहीं पे लेकर भी नहीं जाना, ये सिर्फ उस सूरत में है जब आप अभी काम कर रहे हैं, जब आपने किसी चीज़ को अभी तक लाइव नहीं किया, तो अगर हम इस तरह के लिंक्स को लाइव कर देंगे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एसईओ के हवाले से तो कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई कोई भी बंदा आपके लिंक पर क्लिक करे और आगे से वो कहीं पर भी रीडायरेक्ट ना हो गलत, तो वो तो विजिटर तंग होगा ना, नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पर भी नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, अभी आपने डिफाइन नहीं किया, डिसाइड नहीं किया कि भाई इसके लिए जो चीज़ बननी है अभी ऑन द वे है, अभी आपने वो क्रिएट भी नहीं की, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको लिंक के तौर पर शो भी कर लें, तो फिर हैश लगाएं, लिंक बन गया, लेकिन ये फॉलोएबल लिंक नहीं है, यानी इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो खाली लिंक बना हुआ है। चले अब ठीक हो गया, आर्टिकल्स भी हो गया जी। अब हमने क्या कहा था, ब्लॉग नहीं होना चाहिए सपोज कर रहे हैं ना, तो हम यूँ करते हैं इसको पकड़ते हैं और इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, फिलहाल कट किया मैंने, डिलीट नहीं किया, ठीक है। और अब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं, या मेन्यू मैनेजमेंट हो गई आपकी। मैंने कहा मेन्यू मैनेजमेंट तो आपने कर ली कि भाई आपने अपनी वेबसाइट को, अच्छा अब आर्टिकल्स और ब्लॉग्स, ये वाले जो दो मेन्यूज हैं आपकी वेबसाइट पे क्यों होने चाहिए। अगर मैं ये देखता हूँ कि बाकी के जितना भी कंटेंट है मेरा, ये सारे का सारा कंटेंट मेरा फ्रीज टाइप का कंटेंट है, ऐसे ही है ना, मतलब ये तो एक ही दफा लिखा जाएगा, होम पे जो कुछ लिख दिया हमने वंस लिख दिया, उसके अलावा इमेजेस वगैरह अपडेट हो रहे होंगे तो ठीक है चेंज करते रहेंगे, लेकिन कंटेंट तो एक सिमिलर सा ही होगा, मतलब अगर उसमें 500 वर्ड्स हैं और उसमें दो तीन तस्वीरें ऐसी हैं जो अपडेट्स करते हैं, या कभी कभी जाकर कोई एक आधा पैराग्राफ आप चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज तो एक ही कंटेंट है जो आपकी होम पेज पे डिस्प्ले होता है, बार बार चेंज तो नहीं होता। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट में चले जाएं, वो भी फ्रीज कंटेंट है हमारा, गैलरी में भी हो सकता है तस्वीरें कभी कभार हम लगा देते हो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे चाहिए। वेबसाइट क्राउलर क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर जितना फ्रीक्वेंटली आप क्राउल होना चाह रहे हैं, आपके पास डाटा भी उतना
फ्रीक्वेंटली अपडेट होना चाहिए। अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है तो आप क्रॉल ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल इसकी मिसाल OLX है, इसकी मिसाल दराज है, ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग पेस्ट कर रहे होते हैं। OLX की वेबसाइट पर चले जाएँ, कितने स्टार्ट लग रहे होते हैं लाइव, दराज पर लोग अपनी पोस्टिंग कर रहे होते हैं, उधर भी बहुत कुछ लग रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन वेबसाइट्स के ऊपर क्रॉलर बार बार आता है, इसलिए कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही हैं उनको क्रॉलर ज़्यादा विजिट करता है, और जब क्रॉलर ज़्यादा विजिट करेगा तो इंडेक्सिंग भी ज़्यादा होगी और रैंकिंग होने के चांसेस भी उसके बढ़ जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट किसी भी टॉपिक करो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी एजुकेशनल वेबसाइट है, जैसे मैं कहता हूँ हम पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर अगर हम दो चार मेन्यूज लेकर चलें, ठीक है, तो वो तो स्पेसिफिक हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने एक मेन्यू जो बनाया हुआ है वो आर्टिकल्स के नाम से बना लिया, ठीक, या एक ब्लॉग के नाम से बना लिया, ब्लॉगिंग होने लगी हुई है या आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अब क्या होता है कि उस पर हमने जो भी मार्केटिंग की टीम से ये कहा हुआ है कि आपने जो है ना इसको अपडेट करते रहना है, यानी क्या करना है, इस पर हर दो चार दिन के बाद कोई एक नया आर्टिकल किसी टॉपिक पर आ जाए। किसी टॉपिक पे आने का क्या मतलब है कि मतलब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीच कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो इस तरह के आर्टिकल जब वो प्रिंट हो रहे होंगे और उसमें चार पांच पैराग्राफ्स की सूरत में वो लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अब हमारे पास कितना कुछ मिल गया कि भाई इसके साथ लिंक्स भी लगाए जा सकते हैं, इसके साथ कीवर्ड्स भी लगाए जा सकते हैं, कीवर्ड्स की ऑप्शन हमारे पास बढ़ गई और डाटा भी फ्रीक्वेंट हो रहा है। और उस आर्टिकल को ही पढ़ते हुए जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर गूगल एड्स पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, सपोज करते हैं 800 वर्ड्स का, और उसके ऊपर मैंने 6-7 ऐसे लिंक लगाए जो कि घुमा फिराकर ट्रैफिक को मेरी वेबसाइट पे ला रहे हैं। मोर डिटेल्स के लिए मैं उसे अपनी किसी वीडियो पे ले जाता हूं, एडमिशन लेने के लिए मैं उसे अपने मेन पेज पे ला रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे डायरेक्ट ट्रैफिक भी मिलने लगी हुई है, बढ़ा ली मैंने ट्रैफिक अपनी वेबसाइट की। इस मकसद के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे, ये मैंने आपको एक एजुकेशनल की बात बताई, अगर मेरे पास एक किचन इक्विपमेंट सप्लायर का केस है, यानी कि मैं उनकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उधर भी एक क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स बनाया हुआ है। अब वो बेचते क्या हैं, पिज़्ज़ा ओवन, वो बेचते हैं आइसक्रीम मशीनरी, वो बेचते हैं कॉफ़ी मशीन्स, सो कॉफ़ी बनाने की रेसिपीज़, कॉफ़ी के मुतल्लिक बातें, पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपीज़, कितना कुछ लिखा जा सकता है उसके आर्टिकल्स के अंदर। अब वो जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का मतलब इंफॉर्मेशन देना है, लेकिन बेसिकली जब कोई बंदा उसको पढ़ रहा होगा उस जगह पर जाएगा तो उधर जो लिंक्स बने होंगे वो डायरेक्ट करेगी उसकी ट्रैफिक को अपनी मेन वेबसाइट की तरफ, तो उधर से उसको फिर क्या फ़ायदा होगा कि अपनी मेन वेबसाइट पे ट्रैफिक भी मिल रही होगी, ट्रैफिक भी उस पर आ रही होगी, और गूगल भी उसको रैंक कर रहा होगा कि भाई इस पर तो बड़ा डाटा आने लगा होगा, फ्रीक्वेंटली डाटा इस पर आ रहा है और रिलेटेड डाटा आ रहा है। अब ये भी नहीं कि उधर जाकर हम कंप्यूटर कोर्सेज के आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने कैटेगरीज के हिसाब से अपना, तो ये वाला एक अगर हम कॉलम इसमें ऐड कर लेते हैं, आर्टिकल्स का कॉलम ऐड कर लेते हैं, तो इसका हमें बहुत फायदा होगा अपनी वेबसाइट के लिए लीड्स लेने में, ठीक है। सर उम्मन तौर पर तो हम वेबसाइट खोलते हैं तो आर्टिकल तो पढ़ते ही नहीं है ज्यादा, मोस्टली लोग पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते, मिसाल के तौर पर लिंक्स या पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं, वो नहीं, जिसने आर्टिकल, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आइसक्रीम बनाने की किसी को रेसिपी चाहिए वो तो उसको ढूंढता हुआ आएगा ना, वो तो पढ़ेगा उसको आइसक्रीम बनाने की रेसिपी क्या है, ठीक है। किसी बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स का कोर्स करना है या गूगल एडवर्टीजमेंट करवानी है तो उसको जब गूगल एड का एक आर्टिकल मिलेगा तो क्या आपका ख्याल है वो नहीं पढ़ेगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि वो किसके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। हमें ट्रैफिक भी चाहिए, हमें एंगेजमेंट भी चाहिए और हमें गूगल के क्रॉलर के विजिट्स भी चाहिए, सो हम इन सारे कामों के लिए आर्टिकल राइटिंग करने लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका YouTube चैनल हो, बेसिकली आप उसकी ग्रोथ पे लगे हुए हैं और YouTube चैनल पर आपकी वीडियोस हैं और यहाँ पर आप आर्टिकल्स लिखकर अपनी ट्रैफिक को YouTube चैनल के ऊपर लेकर आए कि भाई एक आपने यहाँ पर लिख दिया, सारे रेसिपी लिख दी, उसके बाद उसने अगर देखना है कि बनाना कैसे है आपने उसको लिंक दिया हुआ है, या छोटी सी विंडो में जैसे अभी हमने आई फ्रेम लगाया तो उसमें मैप लगाया था ना, तो हम उस आई फ्रेम की विंडो में यूट्यूब की वीडियो भी लगा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट हमें पता लग गया। अच्छा उसके बाद क्या आ रहे हैं हमारे पास, स्लाइडर्स, जरा ये देखते हैं कि स्लाइडर्स कहाँ पड़े हुए हैं जी, इमेजेस में चले, ये आ गए स्लाइडर्स,
सिंपल क्या है, अब आप देख रहे हैं तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको यहां पर भी, आपने क्या करना है सिर्फ इन तस्वीरों को चेंज कर देना है अपनी प्रोजेक्ट की तस्वीरों के साथ। यानी कि जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं आपने यहां पर वो वाली तस्वीरें लगानी है जो आप दिखाना चाह रहे हैं स्लाइडर के तौर पर, ठीक है। यहां पर तीन है, दो आ रही है, मेरा ख्याल है तीसरी को नहीं मैं यूज कर रहा, तो कोई सी भी दो तस्वीरें यहां पर आप यूज कर लें। अब इसमें ना क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका नाम, मतलब अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि सब कुछ सेम रहे तो वही तरीका जो मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था, इसको फोटोशॉप में खोले, इसके ऊपर अपना इमेज डिजाइन कर लें और इसको अपडेट कर लें फाइल को, या फिर अपना नया इमेज डिजाइन करें और इसका साइज देख लें क्या है, 899x409 इसका साइज है, नाम इसका यही वाला रखें, ठीक है। मैं क्या नाम भी इसका यही रहने दें, साइज भी इसका यही रहने दें, बेशक नया इमेज डिजाइन कर लें, तो खासतौर पर जो डिजाइनर्स नहीं है उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि इसी को खोलें फोटोशॉप में, ठीक है। इसे फोटोशॉप में खोलने का क्या तरीका है, आसान सा तरीका बता देता हूं मैं, इसे डबल क्लिक करें, इमेज फोटो इसमें खुल गया सीधा, ये विंडोज के फोटो व्यूअर में खुल गया ना, इसे यहां से कॉपी करें और जाकर फोटोशॉप में ले जाए, बस सिंपल, और वहां जाकर आपने जो कुछ भी बनाना है उसी साइज के ऊपर डिजाइन कर लें, उसमें नाम भी आ जाएगा, नाम यहां से हम देख लेंगे, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूं जी, ये मैं फोटोशॉप खोला भी यहां से कॉपी करने के बाद, अब अगर आप चाहते हैं कि ये स्किल आपके अंदर आए तो लाजमी बात है आपको इसको सीख लेना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, इट्स ओके, बेसिक लेवल फाइन मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं जब काम करूंगा तो मेरे पास एक डिजाइनर साथ होगा, तो फिर आपके लिए ये मसला नहीं है कि आपको डिजाइनिंग आती है कि डिजाइनिंग नहीं आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी हमने आर्टिकल्स की बात की है, कॉन्टेंट की बात की, आप कहते हो नहीं आपको किसी का डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो कॉन्टेंट के लिए यहाँ तो आप कोई एप्लीकेशन यूज कर लेंगे या आप कॉन्टेंट राइटर हायर कर लेंगे। इसी तरह जब हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप कैनवा यूज कर लेंगे, ठीक है ना, कैनवा आपको पता है रेडीमेड होता है सब कुछ बना बनाया होता है, यहाँ तो कैनवा को यूज कर लें, यहाँ कोई टूल सीख लें एक्सपर्टीज के लिए, या ग्राफिक डिजाइनर को आप हायर कर लेंगे कि जनाब वो मैं उससे सर्विसेज ले रहा हूँ, या मैं किसी से काम करवा लिया करूंगा जो मुझे अपनी वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग के रेफरेंस से इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये हमारे पास सारे रास्ते हैं जी। मैं इधर आ गया हूँ, इधर आकर मैं करता हूँ कंट्रोल एन, इसने वही साइज लिया, देखें यही साइज बोल रहा था ना, मैंने कॉपी किया तो इसने वही साइज लिया और यहां लाकर इसको पेस्ट कर दें सिंपल। बेशक मैं पेस्ट ना भी करता हूं, यहां पर दूसरा इमेज लिया था जो मुझे चाहिए था इमेज, ठीक है। अब आपको इतनी सी ग्राफिक्स सीखने के दौरान खुद करनी है, कितनी ग्राफिक्स खुद करनी है कि यहां पर, क्योंकि इसको चेंज करना है ना आपने। अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करें करेंगे क्या आप लोग। अब मिसाल के तौर पर मैं काम करता हूं, चलिए मैंने इसको व्हाइट को लेकर ऊपर कर दिया, इसको ज़रा पीछे कर दिया, ठीक है, ताकि मैं कुछ थोड़ी सी इसमें एडिट कर देता हूं, आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे उधर जाके चेंज होगा। ये टी पर आ रहे हैं हम, यहां पर मैं टाइप कर देता हूं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको, ये मैंने नीचे से लेयर से ऊपर नीचे कर दिया उसको, ये राइट साइड पर जो हमारे पास विंडो नजर आ रही है, अगर ये विंडो आपको नजर ना आए तो आप क्या करोगे, F7 से हम इसको दोबारा से ला सकते हैं, ठीक है, आ गई है, यानी कि अगर आपके पास ये विंडो ना हो तो हम इसे F7 से ला सकते हैं। यहां पर आया हूं जी मैं, यहां पर आकर लिख लेता हूं सपोज, बस ये बात ध्यान में रखनी है कि अब यहां पर हमारा जो फोकस है, इस वक्त हमारा फोकस डिजाइनिंग नहीं है, इस वक्त हमारा फोकस क्या है, वेबसाइट की एसईओ करना है। ये जो काम हम कर रहे हैं ये बेसिकली अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं कि हम एसईओ कर सकें। अब अगर आपके जहन में डिजाइनिंग की बात आए तो आप डिजाइनिंग के लिए अलहदा प्लान बनाए कि घर बैठ के भी आप उसे सीख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर रोजाना को 2-4 बेसिक लेक्चर ले लें आपको समझ में आ जाएगी डिजाइनिंग, कोर्स करना हो कोर्स भी कर सकते हैं, मतलब वो सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि अभी हम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो जो चीज़ हमें थोड़ी बहुत चाहिए, बजाय इसके कि उसके बगैर हम आगे चले जाएं, उसको किए बगैर उसको हल्का फुल्का सा हमें जरूर करना आना चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख दिया मैंने,
और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि पेज पर आ जाए जब उधर हम देखें ना, बाकी मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करना है हमने, बेसिकली कर क्या रहा था मैं, इसको स्लाइडर बनाना था ना हम लोगों ने अपना, स्लाइडर वाली फाइल के साथ मैंने इस फाइल को रिप्लेस कर देना, जो स्लाइडर वाली फाइल है उस फाइल के साथ मैं इसको रिप्लेस करूंगा। फाइल में आते हैं जी, सेव एज में आते हैं और एक दफा फिर जरा वहां जाकर देखें कि यहां पर जो हमारे पास फाइल आ रही थी वो क्या थी, जेपीजी, और फाइल को यहीं से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, वापस आ जाए इसमें, यानी मैं कहां जाऊं, वापस प्रोजेक्ट में जाऊं। जी कहां जाएं, इमेजेस के फोल्डर में जाएं, यहां से स्लाइड्स में जाएं और इसको चेंज करें फॉर्मेट को। वो कौन सी फाइल है, किस फॉर्मेट की फाइल थी, जेपीजी थी, तो मैं यहां से जेपीजी को चूज कर लेता हूं ताकि वो मुझे नजर आ जाए। आ गई है, बस इस वक्त ये दस्तगीर वाली आ रही है ऊपर, अब ये चेंज होने लगी है, जरा चेक करें उधर क्या चेंज आया। हो गई चेंज, अभी हम लोगों ने तो प्लेन ट्रांसपेरेंट एक वाइट पेज के ऊपर मैंने सिर्फ टाइप करके आपको बताया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह करने से क्या हुआ, हम लोगों ने अपना लोगो भी चेंज कर दिया, हम लोगों ने अपना मेन्यू भी चेंज करना सीख लिया और हम लोगों ने अपने स्लाइडर्स भी चेंज करने सीख लिए। अब उसके बाद क्या आ गया, नीचे आते हैं, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो उसके नीचे नजर आ रहा होगा हमें टेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है जी, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, इधर आए जरा, नीचे ही है ना इसके, तो मैं कहता हूं कंट्रोल एफ करके इसको भी फाइंड कर लेता हूं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई वेबसाइट हो ताकि हम उसको इंप्लीमेंट करें उसके ऊपर एसईओ को। हाँ, फाइन, अच्छा समटाइम ऐसे होगा नहीं मिला उसको, तो मिल गया, अच्छा जी इसलिए नहीं मिला उसको, तो कमर्शियल बेकिंग लिखा हुआ था, ओके मैंने किचन लिख दिया ना, बेसिकली उनका कीवर्ड ये वाला भी था इस वजह से मैंने ये लिखा है। चलो अब कर लेंगे फाइंड। ये तो नहीं है, नहीं है ना, ये कैसे पता लग रहा है ये नहीं है, क्योंकि ये इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट है। मैंने आपको जब इमेजेस बताए थे मैंने कहा था ना कि हम कीवर्ड्स को इमेजेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोबारा आए जरा इसमें, ये क्या लिखा हुआ जी, फाइंड नेक्स्ट, अब देखें ये भी नहीं है, फिर फाइंड नेक्स्ट करें, ये वाला है पहली, ये मैंने इसको रिकग्नाइज किससे किया, एच वन से भी रिकग्नाइज किया है, इसलिए कि वहां पर भी ये हेडिंग वन का स्टाइल इस पर अप्लाई हुआ हुआ है। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूं यहां से, और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, जैसे ये लिखा हुआ ना कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट, तो मैं इसे कह देता हूं भाई डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे पैराग्राफ वाला टेक्स्ट भी हमें नजर आ रहा होगा, यहीं से अब मैं सारी एडिटिंग कर लूंगा, देखें जरा, जी लिखा हुआ है, सब कुछ वही है ना जो उधर लिखा हुआ है, और इसके साथ मैंने देखें कौन कौन से टैग्स यूज किए हुए, ये क्या लिखा हुआ है, इसको उस पर जाकर देखें पहले, जी ये लिंक है, तो उधर हाइपरलिंक लगा हुआ है, देखा ना आपने उधर हाइपरलिंक लगा हुआ है, अच्छा उसके बाद और नीचे आए जरा देखें, आई थिंक ये बोल्ड हुआ है, वो मैंने फॉन्ट साइज बड़ा किया हुआ ना, उस वजह से ये आपको ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रहा, ये सही नजर आ रहा है दस्तगीर इंजीनियरिंग। उधर जाके जरा कोडिंग में देखें इसको, तो यहां पर कुछ तिरछा किया हुआ है हमने, बेकिंग इक्विपमेंट को तिरछा किया हुआ है, ये आई स्टैंड फॉर इटैलिक, इसको तिरछा किया हुआ है हमने, सच एज ये क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल ओवंस, इसको हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग, पिज्जा ओवंस को भी हमने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का टैग है जो हमने बार बार इस्तेमाल करना है अपने कंटेंट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग में नहीं, हेडिंग को जब हमें स्ट्रॉन्ग बोल्ड देखना है
तो हमें हेडिंग स्टाइल्स इस्तेमाल करने हैं, और हमें एक हेडिंग स्टाइल को भी बार बार यूज नहीं करना, बल्कि उसको हायरार्की के साथ इस्तेमाल करना है कि भाई ऊपर हेडिंग है तो अब नीचे जाकर अगर मुझे हेडिंग लिखनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसकी सब हेडिंग है। हाँ, अगर मेरा टॉपिक चेंज होता मैं दूसरी दफा चलो हेडिंग यूज करूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 10 दफा हम हेडिंग स्टाइल 1 को यूज करते जा रहे हैं। तो ये भी गूगल मना करेगा आपको कि ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है, एक से दो दफा कर ले तो कोई बात नहीं है जी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक चेंज हो गई है, मैं समझू यहां तक चेंज हो गई, आ गया ना, यहां पर डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ये सारा नीचे वाला टेक्स्ट भी आ रहा है, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं जी। अब आते जाए नीचे जरा, हाँ जी, अब ये तस्वीर तो आप खुद चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, ये कैसे पता लगेगा अभी ये तस्वीर कौन सी है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इस पर राइट क्लिक करके देखो, सेव इमेज एज में जाओ, इसका नाम पढ़ लो, क्या नाम है जिसका, टनल ओवन। एक तो नाम पढ़ के देख सकते हैं, एक तस्वीर को पहचान के भी आप देख सकते हो। यहां पर आए जरा वापस, ये स्लाइड्स में तो नहीं हो सकती, ये तो कंफर्म बात है ना, ये तो सिर्फ स्लाइड्स थी, इसकी बात सिर्फ स्लाइड तक है, पीछे हैं, यहां से पहचान लें कौन सी तस्वीर है, टनल ओवन लिखें, खुद ही उस पे ले जाएगा आपको, वैसे तस्वीर भी आप रिकग्नाइज कर सकते हो, ये वाली है। तो जब आपने उस तस्वीर को चेंज करना होगा तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर देना, ठीक। अब एक काम हमें और करना है, अब थोड़ी सी मुश्किल में हम पढ़ने लगे हैं, हाँ, वो क्या, वो ये कि मिसाल के तौर पर आप बनाते हो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो वहां पर तस्वीर भी कोई और ही लगाओगे ना, टनल ओवन की तो नहीं लगाओगे, तो ये इमेज की एसईओ से कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया अब यहाँ पे आके, कि इमेज का नाम आपकी कीवर्ड के साथ होना चाहिए। तो जब आप वेबसाइट को लेकर जा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग पर, तो यहाँ पर तो आ रहा है टनल ओवन, इसका नाम भी यहाँ तो डिजिटल मार्केटिंग वाला ही कुछ होना चाहिए था, जो मेरा मेन कीवर्ड होता वही होना चाहिए था। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आपने इमेज भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका नाम भी तब्दील करना चाहिए हमें। अब इसका नाम मैं चेंज करने लगा हूं, तो इसका मतलब और कहां पे जाना है हमें चेंज करने के लिए, अब दो जगहों पे चेंज आएगा ना, एक चेंज क्या होगा, फाइल का नाम चेंज होगा, और एक चेंज क्या होगा, ये जहां पर इमेज नजर आ रहा है वहां पर भी तो ये tunnelowen.jpg लिखा हुआ है ना, वहां पर भी चेंज होगा, ठीक है। अब ये वाली चेंज जरा देखते हैं कि ये कैसे होगी, यानी ये तो समझ में आ रही है, या हम यूं करते हैं इसका नाम ही चेंज कर देते हैं यहां पर, ताकि ये रियल प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं जी, और इसको रीनेम कर देते हैं, लो जी, इसका नाम मैं रख लाऊं फिलहाल, ये रही, मैं इसका नाम रख लेता हूं टेस्ट केस, ठीक है, और नाम इस तरह रखने हैं आप लोगों ने, कैसे, ये पहली बात स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने, नंबर वन, ठीक है। एक तो आपने कैपिटल लेटर्स में इमेज रीनेमिंग नहीं करनी है, इमेज के नाम छोटी है बीसी में रखने हैं, स्पेस नहीं देनी है आपने, और आपने कोशिश करनी है कि आपका कीवर्ड उसमें आ जाए, ठीक है। तो मैंने फिलहाल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर ये इमेज डिजाइन हुआ होता सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पर, तो मैं इसका नाम रखता सोशल डैश मीडिया डैश मार्केटिंग, अगर कोर्सेज होता तो डैश कोर्सेज लिख देता, अगर सर्विसेज होता तो डैश सर्विसेज लिख देता, ठीक है। सपोज मैंने अभी ये कर लिया जी, टेस्ट केस का इसका नाम रख दिया, अब इसकी टाइप क्या है जी, टाइप क्या है इसकी, जेपीजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर किस नाम से पड़ा हुआ है, टनल ओवन था ना, स्पेल क्या था इसके पहला, अंडू करें जरा इसको, टी यू, हाँ जी, टी यू डबल एन ई एल, पहले इसे ढूंढ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको रीनेम करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें कोई, एक बार फिर इसको जरा रीनेम कर लो। अच्छा, एक तो नामों को भी जब आप यहां से लेना चाहते हो ना, बजाय इसके के अपनी उसका जहानत का इम्तिहान लें, इसको कॉपी कर लें यहां से, ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट चीज वहां पर मूव करें। मैंने इसे कॉपी किया यहां पे, इधर आया हूं जी। अब हमें क्या ढूंढना है, टनल ओवन को ढूंढना है कि भाई है कहां पर टनल ओवन, और टनल ओवन कहां पर होगा, इमेज के टैग में होगा, यानी कि हमें समझ आ रही है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आया हूं और यहां पर आकर मैंने टाइप पेस्ट कर दिया उसी को, सही जगह पर पहुंच गए,
इमेज लगी हुई है ना, आईएमजी का टैग लगा हुआ है। यहां पर हमने क्या करना था, इसका नाम बेसिकली, अब मैं यहां पर पहले नाम चेंज करता हूं, ठीक है, वही कर लेते हैं जी जो मैंने हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सोशल मीडिया कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज कर देता हूं मैं यहां पे, ठीक, और इसी नाम को कॉपी करता हूं यहां से, अब मैं कि इसी को टेक्स्ट को कॉपी करके उधर जाकर पेस्ट कर देता हूं, कहां पे, यहां पे, अच्छा नहीं हुआ, मैंने कहा शायद डबल क्लिक में से सही जगह पे हो जाए, चलिए कोई बात नहीं, अब तो कोई इशू नहीं रहा हमारा। इस दफा मैंने कोडिंग में भी चेंज कर दिया, यानी कि मैंने आपको कोडिंग का भी साथ इंटरफेस बताया कि अगर आपको कोडिंग में जाकर चेंज करनी होगी तो आप कैसे करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है, मतलब अगर हमने सब कुछ ठीक किया हुआ है तो वो इमेज वैसे ही वहां पर नजर आ रहा हो। इधर आए जरा, यहां पर इमेज के अंदर कौन सा एक अहम एट्रीब्यूट लगा होगा एसईओ के लिए, ये वाला, ये देख रहे हैं, मल्टी कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ यहां पे। मैंने कहा यहां पर कमर्शियल आ रहा है तो इसको भी चेंज कर देना, यहां पर भी लिख लेते हैं जी सोशल। अब यहां पर डैश नहीं लगाना, ये फाइल का नाम नहीं है, ये तो टेक्स्ट मैसेज है, यहां पर डैश नहीं लगाना, डैश कहां पर लगना है, सिर्फ फाइल नेमो के दरमियान में, ठीक है, जहां पर आप फाइल नेम्स लिख रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डैश लगाना है आपने, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज लिखा था कि कोर्सेज लिखा था, कोर्सेज लिखा था, यहां पर भी कोर्सेज लिख लेता हूं, और मैं कहता हूं भाई मैं साथ साथ कोर्सेज भी करवाता हूं, सर्विसेज भी देता हूं। अब मैंने एक बीच में पाइप साइन लगाया और आगे मैं लिख लेता हूं सोशल मीडिया, इसकी मैंने आपको लेंथ बताई थी 125 कैरेक्टर्स, यानी कि ये हमारे पास आर्ट लिखने के लिए वो हमें कैपेसिटी दे रहा है कि 125 कैरेक्टर में आप आर्ट एट्रीब्यूट दे सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। चलो सेव करें इसको, अब उसको चलाकर एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। चलो भाई आप तो जाओ, यानी अगर हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई तो इसे यहां से गायब नहीं होना चाहिए। जरा इसके ऊपर माउस रखा है मैंने, देखें क्या लिखा हुआ है। यस, शाबाश, बताएं क्यों हुआ? ये तो हमने चेंज नहीं किया अभी, हमने तो चेंज किया अभी, किया पेज रिफ्रेश और गुड। ये टाइटल है, ये आर्ट नहीं है, आर्ट आपको कभी भी यहां नहीं दिखेगा। आर्ट एट्रीब्यूट व्यूअर्स को, आर्ट एट्रीब्यूट को हमने डिफाइन किया था दो तरीकों से, हमने कहा था आर्ट एट्रीब्यूट क्राउलर के लिए होता है और आर्ट एट्रीब्यूट यूजर के लिए होता है। हाँ, अगर हमने कोई इमेज को प्लेस करने में कुछ गलती की है ना, फिर नजर आएगा। अगर इमेज शो नहीं होगा तो आर्ट शो होगा। आर्ट का मतलब ही क्या है, अल्टरनेट। क्राउलर को अल्टरनेट क्यों दे रहे हैं हम, क्राउलर को अल्टरनेट हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई क्राउलर को तो इमेज का पता ही नहीं है, उसने तो आपको ऑप्टिमाइज ही नहीं करना है एज ए इमेज के तौर पर, वो तो कहता है मुझे कोड चाहिए, तो उसको हमें अल्टरनेट कोड दे दिया। और यूजर को हमने उस वक्त अल्टरनेट दिया जब इमेज किसी भी वजह से नहीं दिख रहा, एरर आ रहा है किसी भी वजह से, तो उसने कहा इमेज तो मैं नहीं दिखा सकता, तो ये टेक्स्ट देख लें जो उसका अल्टरनेट है, ठीक है। सो ये टाइटल का टेक्स्ट है जो हमने चेंज ही नहीं किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे से कोई मिस्टेक हुई हुई है कि ठीक हुआ हुआ है, अगर हुई है तो फिर उसको भी ढूंढते हैं, नहीं हुई, यानी कि हम लोगों ने पहले टनल ओवन था इसका नाम, कोडिंग में भी टनल ओवन था, फिर हमने क्या किया, इसका नाम भी चेंज किया, पहले टनल ओवन हमने इसकी फाइल नेम को चेंज किया, उसके बाद कोडिंग में जाकर जो रेफरेंस था वो भी चेंज किया। ये वाला इशू जो होता है, ये इशू भी हम एसईओ में टारगेट करते हैं। ये इशू क्या होता है बेसिकली, ये इशू ये होता है कि जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, हमने एक जगह पर कर दी और एक जगह पर नहीं की,
तो ये इशू जो होता है ये 404 का एरर प्रोड्यूस करता है, ये वाला इशू 404 एरर प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको कोई पता दूं कि भाई इस जगह पर आ जाना, और जब आप उस जगह पर आए तो वहां पर जंगल हो, हाँ इसका मतलब है बुरी बात हो गई है। तो इसी तरह जब आप गूगल पे किसी बंदे को कह रहे हैं कि विजिट करो मेरी वेबसाइट को, और वो वेबसाइट को विजिट करे तो वहां पर गूगल ही मैसेज दे दे 404 का एरर आ रहा है। वो मैसेज गूगल अपनी तरफ से नहीं दे रहा, वो सिर्फ उस वक्त दे रहा है जब वो एड्रेस उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। सो ये वाला इशू भी हमें टारगेट करना होता है जब हम किसी वेबसाइट की SEO करते हैं, तो हम सबसे पहले ये भी ढूंढते हैं कि भाई इसकी वेबसाइट पर 404 तो नहीं जनरेट हो रहा। अब 404 जनरेट होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो WWW मेन वेबसाइट से हो, हो सकता है कि उसकी वेबसाइट के अंदर टोटल 400 लिंक्स हों, या 200 लिंक्स हों, या 50 लिंक्स हों, उनमें से 350 लिंक तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो, लेकिन जो 50 लिंक्स हैं वो ठीक ना चल रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले ये भी देखना होता है एज ए ऑप्टिमाइजर कि क्या 404 का एरर तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा ऑटोमेटिकली। अगर हो रहा है तो हमें उसे डायग्नोज करना है, कैसे करना है। अब ये काम तो लेबर वर्क लग रहा है कि भाई क्या मिसाल के तौर पर छोटी वेबसाइट होगी तो जल्दी मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ी वेबसाइट हुई मसलन अगर 1000 लिंक्स हुए ये तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास टूल होगा, और वो टूल होगा भी फ्री, जिसे हम ये टेस्ट कर लेंगे कि इसके ऊपर ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अब ये जो टर्म मैंने इस्तेमाल किया बेसिकली 404, ये रिप्रेजेंट किसको करती है, ब्रोकन लिंक को, कि या भाई ये लिंक है मगर ब्रोकन है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, फॉलो किसको करूं मैं, दिखाऊं किस चीज को, तो वो ब्रोकन लिंक आ रहा है हमारे पास। चलें जी, ये भी खत्म हो गया मसला, यानी पूरी वेबसाइट तैयार हो गई मेरा ख्याल है, होम पेज अब आपका, आप खुद से इस सारी को आगे सब कुछ वही आ रहा है ना जो हमने कर लिया है, कोई नई चीज तो नहीं है। जाते जाए नीचे जरा, नथिंग न्यू, ये लग रहा है हमें कि कोई हेडिंग लगी हुई है ना, ये भी इमेज हैं, ये भी इमेज हैं, और ये क्या है, मैप है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। तो इसको जरा एक दफा से फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अब मैं इसका मैप चेंज करता हूँ, यहाँ पे किया तो नहीं हुआ मैंने, नहीं किया अभी जी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, इसको जरा आप करवाएं रिवाइज, कैसे करेंगे हम इसे चेंज। यस, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये मैप जो है हमें यहां पर गूगल का लगाना है, या मैं कहता हूं नजीब एंड सन्स का लगाना है, क्या करें, मैप में जाएं, गूगल मैप पे जाते हैं जी, यहाँ पर लिखिए हमने अब कहाँ जाएं, शेयर पे जाएं, गुड, फिर नहीं कॉपी में नहीं जाना, अब हमें कहाँ जाना है, इम्बेड, जब भी आपने आई फ्रेम में कुछ यूज करना है तो आपको इम्बेड करना है, ये याद रखना है। सेम इसी तरह अब हम आई फ्रेम में अभी मैप लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ एक टैब बनाइए वीडियो गैलरी का और उसके अंदर वीडियोस लगी हों, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीडियोस कहाँ से प्ले हो रही होंगी, यूट्यूब से, वीडियो यूट्यूब से प्ले हो रही होंगी, लेकिन उसको लगेगा क्या, उसको भी आई फ्रेम लगेगा, और यूट्यूब पे जाकर आपने उसको भी ऐसे ही इम्बेड करना है, ठीक है। कैसे करना है वो भी तरीका बता देता हूँ, ताकि अगर आप कोई किसी एक तस्वीर को वीडियो करना चाहें तो कर लें, इम्बेड पे आते हैं जी, इसको अब आ गया, अब कॉपी करना है हमें, मैंने इसे किया जी कॉपी, और उसके बाद कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ पर आ जाए, और यहां पर आकर किसको ढूंढे, गुड, किसको ढूंढे, आई फ्रेम को ढूंढे जी, आगे सीधे आई फ्रेम में, अच्छा अब चाहे एक काम करते हैं, ये आई फ्रेम आ रहा है और ये आई फ्रेम एंड हो रहा है, मैं एक काम करता हूं यहां पर आता हूं, उसको फिलहाल मैं ये आ गया नया वाला आई फ्रेम, और ये पहले वाला है, मैं इस पहले वाले को पिक करता हूं,
इसे डिलीट कर दूं। अब दूसरे वाला आ गया, इसको सेव करें, चेक करें जरा इसको चलाकर। आ गया, चेंज हो गया, जूम इसका जरा थोड़ा सा छोटा करें आप, बाकी सब ठीक ही है। अच्छा, अब हमें अगर एक और वेबसाइट में खोलता हूं यहां से, इसाका ही हॉस्पिटल में आगे जी वेबसाइट पे नीचे आए, देखते हैं यहाँ पर वीडियो लगी हुई है, लगी है? ये कैसे लगी है? इसका इम्बेड देखें, इसको कौन सा लगा हुआ है? आई फ्रेम व्यू में आए जी, यहाँ से पेज सोर्स में आए सेम। अब मैं लाइव पर हूँ इस वक्त, लाइव साइट पर हूँ या ऑफलाइन पर नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि वीडियो कैसे लगी है, यानी मैंने उस फ्रेम पर जाना है जिसमें वीडियो लगी है। कंट्रोल एफ, ये वाला जो टैग है उससे पहले ये देख लें टैग, पहले ये टैग नजर आ रहा है आपको? मैं इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, पूरा पढ़ना नजर आना शुरू हो गया। ये टैग आपकी हर वेबसाइट के हेड में होना चाहिए एज इट इज, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस वेबसाइट से रेलिवेंट कोई टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक टेक्स्ट है, ठीक है? ये उसमें भी लगा होगा जो वेबसाइट आपको मैंने दी हुई है। ये बेसिकली ये वाला टैग आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर रहा है, वो जो कहते हैं ना मोबाइल पर जाकर चीजों को चेंज करने लगा हुआ है, मोबाइल के हिसाब से साइज कर देता है मैनेज। सो ये वाला जो टेक्स्ट है ये उसको कंट्रोल करने लगा हुआ है। सो ये है क्या? मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, उसका व्यू पोर्ट कैसा होगा? कॉन्टेंट इक्वल्स टू विड्थ, डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1 और मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1। बस ये एज इट इज आपने अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है, उस वेबसाइट पे भी मौजूद है। ये आपको सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि अगर आप किसी और वेबसाइट को देख रहे हो तो आप उस, अगर वो फ्रेंडली नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आपने उसके हेड में जाकर देखना है कि क्या ये टैग मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर नहीं मौजूद तो उसको ये ऐड करके देख लें आप। चलिए अब हम ढूंढते हैं जिसमें हम बेसिकली ढूंढने आए थे। आई फ्रेम सीधा उस पर ही ले आया मुझे, ऐसे ही है। अब बेसिकली क्या है कि ये एक वीडियो को यहां पर दिखा रहा है मुझे, ठीक है? एक काम करते हैं, इसकी वीडियो को यहां से प्ले करते हैं, बाकी इनकी वीडियो को इनकी वेबसाइट से प्ले करते हैं। साइज बड़ा किया मैंने, आउट ऑफ स्क्रीन हो गई, इसको छोटा करने वापस यहां से प्ले करता हूं और मैं इसको यूट्यूब पे ले जाता हूं, ताकि मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब की वीडियो को लाए हैं ना यहां पर, वो आई कैसे है यहां पर। We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time. Get more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. इसको हम करते हैं बंद, और इसका जो आखिरी वाला हिस्सा है वो देखें, इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, FV है ना। अब उस कोड में आए, किधर गया कोड भाई? ये देख लिया आपने? तो आपने अगर वीडियो को इंबेड करना होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे हम? सेम सब कुछ वही लिखेंगे, youtube.com, लेकिन ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा वो वाला कोड कॉपी शेयर करें लिंक और पेस्ट कर देंगे, बल्कि इंबेड देखने के बाद उस वीडियो का जो आईडी है वो पेस्ट करना है हमने। आपने आईडी कहां से फाइंड किया है? जब वीडियो प्ले हो रही है तो उसके आखिर में जो आ रहा है ना इक्वल टू के बाद, वो वाला हिस्सा जो होता है वो आईडी होता है किसी भी वीडियो का,
यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा, यानी ये सेम रहेगा https://youtube.com/embed/ आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये उस वीडियो का स्पेसिफिक आईडी है, और इस आईडी को हम कहां से पिक करके लाए हैं, यहां से पिक किया है, ये इक्वल टू के बाद, बस इसको मैंने ऐसे कॉपी करना है। इसी तरह आपकी अपना चैनल है, उसकी वीडियो की भी आप गैलरी बना रहे हो, तो आपने हर वीडियो का ये आईडी कॉपी करना है। और अभी आप देख रहे हैं कि वहां पर मैंने जो फ्रेम यूज किया हुआ है वो तो बहुत बड़ा फ्रेम है, यहां पर जो फ्रेम यूज हुआ है वो छोटा फ्रेम है, तो अगर आपको बहुत सारे फ्रेम्स बनाने होंगे तो फिर साइज उसका छोटा रख देंगे हम, ठीक है। आइंदा राइट साइड पर आते हैं, ये क्या है 460 और हाइट कितनी है 503, ठीक है, यानी पूरी स्क्रीन के मुताबिक हमने नहीं रखा हुआ, छोटे साइज में पिक्सल्स में लिया हुआ है, आपको पता नहीं इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, परसेंटेज भी नहीं लिखी, तो ये पिक्सल ही है। तो ये जब आपको बहुत सारे फ्रेम्स लेने होंगे तो आप पिक्सल्स में इस तरीके से इसको ले लोगे, ठीक है। सो ये अब हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया है, अब आप लोग इस काबिल हैं कि आप होम पेज बना सकते हैं। नीचे आ जाएं जरा, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे भी मेन्यू आ रहा है सारा, नीचे भी सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं बने हुए, आपने इनको भी चेंज करना है, ठीक है ना। इस सोशल मीडिया को मैं कैसे चेंज करूं ये भी देख लेते हैं, ये तो सबसे ऊपर नजर आ ही रहा होगा आपको, फेसबुक था ना ये, ऊपर से देख लेते हैं पहले, कंट्रोल एफ फेसबुक, आगे पहले उसमें ही आए हैं, फेसबुक पे ही आए हैं। आपने क्या करना है यहां पर अपने सोशल मीडिया लिंक्स देने हैं ना, ये वाला नहीं है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जरा इसको देख लेंगे, कहां है इस वक्त हम, कहां है हेड में, और ये इसमें एक फीचर यूज किया हुआ है मैंने, इसको हम बोलते हैं स्कीमा, और ये स्कीमा फीचर है किसका, एसईओ का, ये जब हम एसईओ पढ़ेंगे ना तो उस वक्त करेंगे। सो ये स्कीमा यूज हुआ हुआ है, नजर भी आ रहा होगा आपके, लिखा हुआ ना schema.org, इसको नहीं हमने देखना, बल्कि हमने क्या करना है फिर अगले वाले पर चले जाते हैं जी। अब आए जरा नीचे देखते हैं, ये हेड है, थोड़ा सा मैं जूम छोटा करने लगा, इधर मैग्नीफायर कहां पे है जी, ये बेचारों को मुझे नजर आ जाए ना एक जगह पे, आ गया नजर सब कुछ, अब इसको बड़ा कर लेते हैं यहां से, ये अब इसी के लिए, जी ये आ रहे हैं इस जगह पर, ये सारे लिंक हमें पड़े हुए। और इसका अच्छा तरीका ये है कि जब अभी आप बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं तो इनकी लाइन नंबर नोट कर लिया करें, लेफ्ट साइड पे 9 नंबर आ रही है ना नोट पैड प्लस प्लस में, तो जब आप इसका एक दफा लाइन नंबर नोट कर लेंगे, पहली बात ये फेसबुक है तो इसके बाद नीचे ट्विटर होगा, लिंक्डइन होगा, यूट्यूब होगा, सब इकट्ठा ही होगा, तो आप जब एक लाइन नंबर को नोट कर लेंगे तो सारों का आपको पता लग जाएगा। और आपने यहां पर आकर अपने लिंक्स देने हैं, कहां पर आकर देने हैं, जो एचरेफ लिखा हुआ है, ये एचरेफ किसका एट्रीब्यूट है, हाइपरलिंक वाला, तो ये हाइपरलिंक्स बने हुए हैं सारे, इसी तरह ये ऊपर बने हुए हैं, इसी तरह ये नीचे बने हुए हैं, इसी तरह नीचे आए और नीचे आए तो, और नीचे आए तो यहां पर अब हम देखते हैं वो क्या चीज आ रही है जी, ये क्या है, व्हाट्सएप वाला बटन बना हुआ है, तो यहां पर आकर आपने क्या करना है, सब कुछ बेशक सेम रहने दें, सिर्फ क्या चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज कर दें, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो आपका व्हाट्सएप हो जाएगा ये वाला, इसी तरह कॉल वाला बटन बना होगा तो वहां पर भी नंबर आ रहा होगा, यानी अब क्या करें हम, नंबर को फाइंड कर लें, जो नंबर आ रहा है उसको फाइंड करके तो उसको सिंपली आप अपना नंबर के साथ चेंज कर दें, यानी ताकि टोटल वेबसाइट आपकी अपनी ऑनरशिप में आ जाए, जब आप वेबसाइट को लाइव करें तो उसके बाद कोई भी बंदा उस पर क्लिक करे तो सारे मैसेजेस आप ही को आ रहे हो। लें जी ये हमारी एडिटिंग आज कंप्लीट हो गई है।